आज हम राजगिरे के लड्डू बनाएंगे, इसे रामदाना भी कहते हैं। मार्केट में जो तैयार लड्डू मिलते हैं वो चीनी में से बनाए जाते हैं, आज हम इसे गुड़ में से बनाएंगे, जिसकी वजह से ये लड्डू मार्केट में मिलने वाले लड्डू से ज़्यादा हेल्दी है। ये घर पे बनाना बहुत ही आसान है, तो चलिए हम रेसिपी शुरू करें। मैंने 1 कप राजगिरा लिया है। दिखने में ये पॉपर सीड जैसा दिखता है, वजन में देखें तो ये 200 ग्राम जितना है। यह आपको कोई भी प्रोविजन स्टोर में बहुत ही आसानी से मिल जाएगा। एक बड़ी सी कढ़ाई को 5 मिनट के लिए अच्छी तरह से गर्म करेंगे और उसके अंदर 1 से 2 चम्मच जितना राजगिरा डालेंगे। राजगिरे में से हमें पहले फुलिया बनानी है और उसके बाद उसके लड्डू बनाएंगे। जिस तरह मक्के में से हम पॉपकॉर्न बनाते हैं, सेम उसी तरह से हमें राजगिरे में से फुलिया बनानी है। थोड़ी देर में राजगिरा इस तरह से चटकने लगेगा, यानी कि वो फूटने लगेगा और उसमें से फुलिया तैयार होने लगेगी। कभी कभी राजगिरा बिना फूटे भी रह जाता है, तो आपको लगे कि राजगिरा अच्छी तरह से फूट चुका है, तब उसे एक प्लेट में निकाल ले। 1 से 2 मिनट में ही इतना राजगिरा अच्छी तरह से फूट जाएगा, यानी कि उसकी फुलिया तैयार हो जाएगी। एक प्लेट में निकाल लेंगे इसे और फिर से इसी तरह से हम उसमें से फुलिया तैयार कर लेंगे। 1 से 2 चम्मच जितना ही हमें राजगिरा डालना है, एक साथ नहीं डालना है। जब आपको अच्छी तरह से प्रैक्टिस हो जाए तो आप फिर थोड़ी और ज्यादा मात्रा में राजगिरा लेके उसकी फुलिया तैयार कर सकते हैं। लेकिन अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो इस तरह से एक दो चम्मच लेकर ही उसकी फुलिया तैयार करें। अगर आप एक साथ बहुत सारी मात्रा में राजगिरा डालेंगे तो हो सकता है कि वो जल जाए और उसकी फुलिया ना तैयार हो। और आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि पहले कढ़ाई को बहुत ही अच्छी तरह से गर्म करना है। अगर वो गर्म नहीं होगी और राजगिरा आप डाल देंगे तो राजगिरा फूटेगा नहीं, यानी कि उसमें से फुलिया तैयार नहीं होगी। तो ये बात आप जरूर ध्यान रखें। जब 3 से 4 बार आपको इस तरह से राजगिरा फोड़ने की प्रैक्टिस हो जाए, यानी कि राजगिरे में से फुलिया बनाने की प्रैक्टिस हो जाए, तब आप और थोड़ी मात्रा में राजगिरा डाल के उसमें से फुलिया बना सकते हो। लेकिन पहले तो आप इस तरह से एक दो चम्मच डालकर ही फुलिया बनाएं, ताकि आपका जो राजगिरा है वो अच्छी तरह से फूटे और उसमें से अच्छी फुलिया बने। सभी राजगिरे में से फुलिया बनाने के बाद इस तरह से हम छलनी में उसे छान लेंगे, ताकि जो भी राजगिरा बिना फूटे रह गया है वो आसानी से अलग हो जाए। बिना फूटे वाला राजगिरा थोड़ा सा कड़क होता है, तो खाते वक्त वो मुंह में आता है, इसके लिए हम इसे निकाल देंगे। अब एक कढ़ाई में हम 1 कप गुड़ लेंगे। जिस कप से हमने राजगिरा लिया था उसी कप के नाप से हम गुड़ लेंगे और उसमें 1/4 कप जितना पानी डालेंगे। गुड़ को इस तरह से थोड़ा सा छोटा कर ले ताकि वो आसानी से मेल्ट हो जाए। गैस की फ्लेम हमें स्लो रखनी है और इस तरह से हमें चलाते रहना है। यहाँ पर मैंने कोल्हापुरी गोल का इस्तेमाल किया है। 2 से 3 मिनट में ही गुड़ इस तरह से मेल्ट हो जाएगा, जिस तरह से हम मूंगफली और तिली की चिक्की के लिए गुड़ को पकाते हैं, सेम उसी तरह से हमें गुड़ को पकाना है। थोड़ी ही देर में गुड़ पककर इस तरह से गाढ़ा हो जाएगा, तब हम उसे चेक कर लेंगे कि वो अभी अच्छी तरह से पका है कि नहीं। तो उसके लिए हम एक कटोरी में पानी लेंगे और उसके अंदर थोड़ा सा गुड़ डालेंगे। 15 से 20 सेकंड उसे पानी में रखने के बाद हम हाथों से इसे तोड़ के देखेंगे तो ये अभी टूट नहीं रहा है और इस तरह से लंबा खींच रहा है, तो गुड़ अच्छी तरह से पकानी है। तो हम थोड़ी देर और इसे गैस पे रखेंगे और उसे अच्छी तरह से पकाएंगे। जैसे जैसे गुड़ पकता जाएगा वो गाढ़ा होता जाएगा और उसका कलर भी चेंज होता जाएगा। गुड़ का कलर अभी काफ़ी चेंज हो गया है, तो फिर से हम उसे थोड़ा सा पानी में डालेंगे और उसे चेक कर लेंगे। पानी में डालने के बाद 15 से 20 सेकंड उसे पानी में रहने दें और फिर उसे हाथों से तोड़ें। वो आसानी से टूट जाना चाहिए। अगर वो इजीली टूटता नहीं है और इस तरह से जैसे पहले देखा उस तरह से खींचता है, तो आप थोड़ी देर और उसे चलाएं और उसको और पकाएं। देखिए ये इस तरह से बहुत ही आसानी से टूट रहा है। तो अभी हमारा गुड़ अच्छी तरह से पक चुका है, तो उसके अंदर हम राजगिरा मिला देंगे। अच्छी तरह से उसे मिक्स कर लेंगे।
आप चाहे तो इसमें से चिक्की भी बना सकते हैं। कोई भी मोल्ड या तो थाली के अंदर घी से ग्रीस करके आप इसे निकाल सकते हैं और फिर उसमें से उसके पीस तैयार कर सकते हैं, या इसे बेल कर भी आप चिक्की बना सकते हैं। यहाँ पर हम अभी लड्डू बना रहे हैं। अभी अच्छी तरह से मिक्स हो चुका है तो गैस हम बंद कर देंगे। अब एक कटोरी में हम थोड़ा सा पानी ले लेंगे और दोनों हाथों को पानी वाला कर देंगे। ये मिश्रण अभी बहुत ही गर्म होगा तो इस तरह पानी लगाने से हम आसानी से लड्डू बना सकेंगे। मिश्रण को एक हाथ में से दूसरे हाथ में बहुत ही जल्द ट्रांसफर कर दें ताकि आपको ये ज़्यादा गर्म ना लगे। हल्के हाथों से दबाते हुए इस तरह से लड्डू तैयार कर लें। लड्डू आप अपनी पसंद के हिसाब से बड़े या छोटे बना सकते हैं। अभी यहाँ पर मैंने मीडियम साइज के लड्डू तैयार किए हैं। अगर ये मिश्रण बीच में गाढ़ा हो जाए तो आप गैस पे उसे फिर से एक मिनट के लिए रख दें तो ये फिर से थोड़ा सा पतला हो जाएगा और आप लड्डू बना सकेंगे। लड्डू अभी बनकर तैयार है। आप इसे 20 से 25 दिन तक स्टोर कर सकते हैं। तो राजगिरे की ये बहुत ही हेल्दी लड्डू आप बनाकर जरूर ट्राई करें और कमेंट करके मुझे बताएं कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। ऐसी नई नई रेसिपी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो फिर से मिलेंगे ऐसी ही एक नई रेसिपी के साथ।